क्वेश्चन में फिफ्थ करना है, और सिक्स तो ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। अभी फोर्थ तक कर लिए थे। गुड इवनिंग रोहित। गुड इवनिंग नरेंद्र। अब यहाँ पे क्या है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स का मतलब है आपको रोस्टर फॉर्म बताना है। क्या बताना है? रोस्टर फॉर्म बताना है। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है? रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है कि आप एलिमेंट्स को डायरेक्टली लिस्ट कर दीजिए, आप एलिमेंट्स को डायरेक्टली लिस्ट कर दीजिए, इसको बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म। गुड इवनिंग गेम्स ऑफ लाइफ। ठीक है, यानी कि आपको डायरेक्टली एलिमेंट्स को लिस्ट करना है। तो कैसे लिस्ट करोगे? तो अगर हम ए पार्ट की बात करें तो हमसे बोला गया है एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। एक्स क्या है? हमारे लिए एक ऑड नेचुरल नंबर है। ऑड नेचुरल नंबर की बात करें तो कौन कौन से होते हैं भाई? नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होता है, ऑड बोला तो 1, 3, 5 डॉट 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 इस तरीके से रहेगा। तो पहले वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से हमारा पहले पार्ट का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में बोला गया है एक्स एक इंटीजर है -1/2 से 9/2 के बीच में, -1/2 से 9/2 के बीच में एक इंटीजर है। तो अगर मैं एक नंबर लाइन लेता हूँ, अगर मैं एक नंबर लाइन लिया तो -1/2 का मतलब कितना है? माइनस का 0.5, और 9/2 का मतलब क्या है? 4.5। और अब आपको बताना है कि इंटीजर नंबर कौन कौन से हैं। तो इंटीजर नंबर क्या होंगे? -0.5 के बाद क्या आएगा? 0 आएगा, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, और फिर 4.5 आएगा। तो इंटीजर कौन होते हैं? इंटीजर वो नंबर होते हैं जिनमें डेसिमल वैल्यूज नहीं होती है। इंटीजर हम किसको बोलते हैं? जिसमें हमारी डेसिमल वैल्यूज नहीं होगी। तो यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 हमारा आंसर हो जाएगा इस वाले का, बी वाले का, 0, 1, 2, 3, 4। समझ में आया सबको? सबको समझ में आ गया कमेंट कर दो। इसका आंसर आपका आएगा 0, 1, 2, 3, 4। इसका आंसर आ जाएगा 0, 1, 2, 3, 4। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे करने हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी कि हम कैसे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, अब अगर ये चीज समझ में आ गई है बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छी बात है। आपको ये चीज समझ में आ गई तो आगे समझ में, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो सी पार्ट की बात करते हैं। सी पार्ट, सी पार्ट में बोला गया है कि एक्स स्क्वायर लेस देन 4 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 4। एक्स स्क्वायर होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 4। तो और आपको एक्स क्या लेना है? कि इंटीजर लेना है, ये आपसे बोल दिया गया है। ये आपसे बोल दिया गया है कि एक्स एक इंटीजर नंबर हो। तो हमें पता है कि अगर हम एक्स को 1 पुट करें, अगर हम एक्स को 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर अब 1 आएगा, तो ये कंडीशन ट्रू आएगी नहीं, ये भी आंसर हो जाएगा। अगर मैं एक्स को 2 पुट करूं तो 2 का स्क्वायर लेस देन 4, ये भी कंडीशन ट्रू आएगी। 3 लूंगा अगर मैं तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स आ जाएगी, तो ये नहीं ले सकते हो आप, 1, 2 ले सकते हो। चलो और पीछे आते हैं, अगर एक्स को 0 पुट कर दिया तो 0 लेस देन 4, ये कंडीशन ट्रू आएगी। अगर मैंने -1 पुट करा तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये भी कंडीशन ट्रू आएगी। और सिमिलर अगर एक्स को -2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 4, ये भी ट्रू आ जाएगा। तो इसका मतलब है आपकी इतनी सारी वैल्यू 0, 1, 2 और -1, -2, इन सारी वैल्यू पे कंडीशन ट्रू आएगी। यानी कि आपका सी वाला जो आएगा वो आ जाएगा -2, -1, 0, 1, 2, ये आपका आ जाएगा सी पार्ट का आंसर। ये हो गया सी पार्ट का आंसर। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें ये करना है इस क्वेश्चन में, अगर मान लो कोई बच्चा चाहता है कि सर और प्रॉपर इनइक्वालिटी को सॉल्व करना बता दो, प्रॉपर्टी मतलब जो है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 तुम्हारा आएगा। ठीक है, अब अगर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है, कोई बात नहीं संभावी, देखो
यहाँ पे एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू फोर है, अगर आपको इसको इनइक्वालिटी से सॉल्व करना है, इनइक्वालिटी कैसे करते हैं, हमें पहले फोर को इस साइड ले जाना है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। और अभी आपने इनइक्वालिटी से किया नहीं है, जो बच्चों को पता हो वो लोग इस मेथड को करें, बाकी मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बता दिया, उससे आप इसका आंसर अभी निकाल लो, इनइक्वालिटी जब मैं करवा दूंगा तब आप कर लेना, ठीक है। तो फिलहाल अगर मैं इनइक्वालिटी से सॉल्व करता इसको तो कैसे करता, इसको लिखूंगा टू का स्क्वायर, तो ये फैक्टर बन जाएंगे एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू। अब एक नंबर लाइन ले लो, नंबर लाइन पे एक टू आ जाएगा। अब ये इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, आई होप कुछ बच्चों को पता होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सबको पता है, कुछ को पता होगा कि इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व कैसे करते हैं। इस इनइक्वालिटी के लिए आप ये नंबर लाइन लें, इस नंबर लाइन पे एक आपका माइनस टू हो गया, एक टू हो गया, यहां से एक्स की वैल्यू क्या आएगी माइनस टू, और यहां से एक्स की वैल्यू क्या आएगी प्लस टू, एक आ गया माइनस टू और इससे आ गया टू। फिर क्या करना, इस नंबर लाइन को तीन पार्ट में डिवाइड कर दो, इस नंबर लाइन को इन तीन पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर कैसे पता, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा जब इनइक्वालिटी बताऊंगा कि क्यों पॉजिटिव हुआ। अब इतना याद रख लो, यहाँ पॉजिटिव होता है फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, हमें लेस देन वाला आंसर देना है, लेस देन मतलब नेगेटिव वाला आंसर, यानी कि आपको आंसर देना है माइनस टू से लेके टू तक का, तो माइनस टू से टू तक के बीच में इंटीजर क्या होगा, माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू, इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हैं। जिन बच्चों को ये इनइक्वालिटी वाला मेथड पता है वो ऐसे सोच सकते हो, तो आपकी गलती नहीं होगी, ठीक है, समझ में आ गया। फोर्थ पार्ट की बात करूं, डी एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, तो आप कैसे लिखते हो, एल लिखना है, ओ लिखना है, वाई लिखना है, ए लिखना है, रिपीट करना नहीं है, तो एल को अब दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो फिफ्थ पार्ट है, ई क्या है, एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, मतलब ऐसा मंथ बताना है जिसमें 31 डेज ना आते हों, बताओ जरा फटाफट कमेंट करो, ये तो बहुत आसान है, जरा कमेंट कर दो भाई फटाफट, फटाफट कमेंट करें इसका आंसर क्या होगा, करो भाई फटाफट इसका आंसर। एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, फेब अप्रैल जून जुलाई अगस्त, तो वैसा हो जाएगा सीधा सितंबर आएगा, फिर अक्टूबर हटा दो नवंबर आ जाएगा, फिर तो दिसंबर, ये आपके मंथ आ जाएंगे, ये आपके मंथ आ जाएंगे, समझ में आ गया। सिक्स पार्ट, एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट प्रेसिड्स के, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि एक्स एक कॉन्सोनेंट है इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रेसिड्स के, इसका मीनिंग क्या है मैं आपको बता दूं जरा, इसका मीनिंग आपका है कि के से पहले जो भी कॉन्सोनेंट्स हैं, अब मैं आपको बता दूं कॉन्सोनेंट्स होता क्या है, वोवेल्स छोड़ दो, ए ई आई ओ यू, इनको छोड़कर सारे वोवेल्स, ये वोवेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, इनको हम बोलते हैं वोवेल्स, आपने पढ़े होंगे, ठीक है, तो इन वोवेल्स को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब कॉन्सोनेंट्स हैं, तुम्हें क्या करना है, एक्स एक कॉन्सोनेंट्स है, प्रीसीड्स के का मतलब है के से पहले जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं वो तुम्हें लिखने हैं, तो यानी कि ए, ए तो वोवेल आ गया तो वो लिखना नहीं है, बी सी डी, ई छोड़ दीजिए, एफ, ठीक है, जी लिखेंगे, एच लिखेंगे, आई छोड़ दो, ठीक है, जे लिख लो, और के से पहले पहले बताना तो जे ही तक जाएगा, जे ही तक जाएगा, चेक करो क्या ही लिखा आप लोगों ने, बी सी डी, बी सी डी एफ जी एच, एच तक आपको लिखना है सिर्फ, एच तक, ठीक है, तो ये आपका आंसर है।